सो है व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम एक स्पेशल बाइक के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं जो कि ये रही, सॉरी ये नहीं, इसकी बात कर रहा था मैं। तो यार ये है यामा R3 2024। तो यार ये है यामा R3 2024 वेरिएंट जो कि यार अभी रिसेंटली 2-3 महीना पहले रिलीज़ हुई है, और ये पहले इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ हुई थी पर यार अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं आ पाई है। और इसके साथ और एक इसका नेकेड वेरिएंट भी हमें देखने को मिलता है जो कि है MT-03, जो कि यार MT-15 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। और यार देखो यार, पहले ये बाइक बहुत सारे लोगों का है ना मतलब सपना होते थे, क्योंकि यार वो टाइम पर 300cc बाइक एक बहुत ही प्रीमियम क्लास की बाइक थी, और उस टाइम पे भी ज़्यादा वे मतलब इसके ये अवेलेबल नहीं थे, कंपटीटर्स नहीं थे और ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। 300cc मतलब 200+ के सीसी में कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं थे। एक तो R15 थी, नहीं तो 220 थी, नहीं तो यार अपनी करिश्मा थी। तो यार ये उस टाइम पे ये बहुत सारे लोगों का है ना एक सपना था R3, जो कि पुराने R3 है, बहुत ही मतलब बल्कि और सुपर बाइक जैसी लगती है वो। और बहुत वेट करने के बाद ये हमें फाइनली अभी मिली है नई R3। तो यार डायरेक्टली बढ़ते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो यार डायरेक्टली हमें कंपनी से मिलता है इसमें 321cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 42 bhp का और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 39.5 Nm का, जो कि बहुत अच्छा है इस बाइक के लिए, क्योंकि यार इसके कंपटीटर्स भी ऑलमोस्ट यही पावर प्रोड्यूस करते हैं। अगर तुम देख लो यार RC390 को तो वो अराउंड 40 bhp या 42-40 bhp कुछ तो भी प्रोड्यूस करती है, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है पर अराउंड इसी फिगर्स में मतलब इसी रेंज में वो भी पावर प्रोड्यूस करती। और दोनों का परफॉर्मेंस देखे तो यार ये थोड़ी सी प्रीमियम फील होती है हमें चलाने में, और ये बहुत ही राइड कंफर्ट प्रोवाइड करती है हमें। इसका सीटिंग पोस्चर भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तुम इसमें टूर भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और इसी के साथ हमें देखने को मिल जाता है इसका ये नया लुक। तो यार पहले ये सेम डुअल लाइट्स का लुक था, पर यार वो थोड़ा अलग और ब्रॉड दिखता था, ये थोड़ा अभी कॉम्पैक्ट हो गया है। जो R15 V3 तो उससे सिमिलर ये थोड़ी सी लगती है मतलब लुक वाइज, क्योंकि यार अभी की देखी तो यार अभी ये पूरी R7 जैसी दिखती है, और अगर इसको थोड़ा सा देखे तो यार ये अभी मतलब ये अपग्रेड तक नहीं हुई है, ये समझ ले इसका सेकेंड वेरिएंट है अभी तक। सो यार ये थोड़ा सा पुराना लुक है, अभी यहाँ पे लेटेस्ट लॉन्च हुई है यहाँ पर यार ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पहले से चल रहा है ये मॉडल। और बात करें हम लोग इसके USD की, तो यार इसके साथ हमें मिलते हैं 47 mm के USD, जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ही चंकी है, मस्त है एकदम। सामने और पीछे हमें मिलते हैं 17-inch के अलॉयज, और आगे मिलता है 110 सेक्शन का टायर, और पीछे हमें देखने को मिलता है 140 सेक्शन का टायर। इसके साथ तुम्हें सारे LED लाइट्स मिलेंगे, सारे LED इंडिकेटर्स और लाइट्स मिलेंगे। तो गाइस यार अगर हम लोग इसके राइडिंग पोस्चर की बात करें तो यार ये राइडिंग पोस्चर इतना एग्रेसिव नहीं है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा कोई मतलब तुम्हें प्रॉपर मतलब लीन वगैरह करना नहीं पड़ता, इतना प्रॉपर मतलब कंफर्टेबल है, तुम इस पर चाहो तो टूर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्वालिटी फिट एंड फिनिश अच्छी है, पर थोड़ा प्राइस बहुत ही ज़्यादा है इसका, थोड़ा सा मतलब 5,40,000 तक ये तुम्हें एक शोरूम मिलती है, और ऑन रोड तुम्हें ऑलमोस्ट ये ऑन रोड और तुम्हें ये 5-6 तक मिलेंगी तुम्हें। और बात करें हम लोग इसके एग्जॉस्ट वगैरह नोट की, तो यार इसमें हम लोग अभी सुन नहीं सकते एग्जॉस्ट नोट वगैरह, वैसे तो इसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन आवाज़ है इसकी ट्विन सिलेंडर की। तो यार ये था ओवरऑल एक वॉक अराउंड, या जो तुम चाहो एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि यार अभी अपने पास कुछ भी नहीं, चाबी वगैरह टेस्टेड वगैरह कुछ ऑप्शन नहीं है, सो मैंने छोटी मोटी चीज़ें बताई है। और अपने सिटी में ये एक लौती बाइक है, बाकी अपने सिटी में यहाँ पे तुम्हें कहीं भी R3 वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। और इसका MT-03 की भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी पूछ के कि वो कब आ सकती है और तुम कब देख सकते हो, उस पर भी हम लोग एक फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। इट वॉज इट फॉर टुडे। और अगर तुम्हें इस बाइक की इंक्वायरी करनी है और तुम यार संभाजी नगर औरंगाबाद में रहते हो, तो यार तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, एक्सीड मोबिलिटी आकाशवाणी पे है ये यामा का शोरूम, यहाँ पे तुम विजिट भी कर सकते हो यार, कांटेक्ट भी कर सकते हो। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।